कर रहे हो? तुम बताओ तुम क्या करती रहती हो? हमेशा अपनी दुनिया में खोई रहती हो, दिल की बात जुबा पे लाती ही नहीं। ऐसा क्या है इस नाजुक से दिमाग में, यही बता दो। मुझे जाना है। जाने की बात मत किया कर, थोड़ी सी दूर चली जाती हो तो पता नहीं अजीब सा लगने लग जाता है मुझे। जैसे आज कुछ पल के लिए नजरों से दूर हुई तो मुझे लगा मैंने तुम्हें खो ही दिया। दो पल के लिए मेरी जान ही निकल गई थी। दो पल के लिए तुम पर इतना प्यार आया कि किसी से इतना प्यार करना भी अच्छा नहीं। हाँ शायद, पर क्या करूं, दिल पे जोर ही नहीं चलता। तुमसे प्यार करना अच्छा लगता है। क्या कर रहे हो? तो सो जाते हैं अपनी अपनी जगह पर। बात बात में डर जाती हो भाई। गॉड, एक मिनट। इस तरफ, बाई तरफ और यहाँ दाई तरफ में, ऐसे ही रोज रात को तुम यहाँ सो सकते हो। ओके। ओहो, मेरे करीब आने की प्लानिंग चल रही है। देखो, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दो दिनों के बीच की ये प्यार की दीवार मैं पार करूंगा। मतलब नहीं करूंगा, लेकिन नींद में मेरा हाथ पैर मुंह कब कहाँ चले जाए इसकी गारंटी मेरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि तुम सोते वक्त बिल्कुल नहीं हिलते। हाय हाय, कितना जानती हो मेरे बारे में, नींद में भी मुझे ही देखती हो क्या? सपना मुझे बुरा आ रहा था, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? बुरा ही सपना था, कुछ बुरा हुआ नहीं है। रिलैक्स करो और सो जाओ, सो जाओ। आखिर राज क्या है उस देवरी का? आज ऋतिक ने भी उस देवरी का बुरा सपना देखा। मतलब कोई तो रिश्ता है ऋतिक का उस देवरी के साथ, पर क्या? अब सबसे पहले मुझे किसी भी तरह उस देवरी तक जाना होगा। कर रही हो ये तुम? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? क्या अपने बाल सुखा रही हो? हाँ, ऐसे कैसे सुखा रही हो मेरे ऊपर पानी? तुम्हारे बालों में पानी ड्रायर से सुखाओ ना, फिर ठंड नहीं लगेगी। मैं सुखा देता हूँ। मैंने क्या किया? मैं तो बाल, यही तो जो कहते हो वो तो करते नहीं। इतने दिनों से बोल रहे हो कि बाहर घुमाने ले चलता हूँ, तो ले चलो ना मुझे घुमाने। वो क्या कह रहे थे तुम कि हनीमून के लिए चलते हैं?
क्या कहा तुमने? ओ, ये रियल है? हनीमून? हाँ, हमारी शादी हो गई है ना? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और पति पत्नी जब शादी के बाद बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हनीमून? हनीमून? तुम्हें जाना है तो तुम बताओ ना, कहाँ जाना है तुम्हें? सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क, वेयर यू वांट टू गो? अपने गांव चले, पंचनेर की हवेली चले। पंचनेर की हवेली? वो भी कोई जगह है जाने की? कहाँ खो गई? अतीत में। जिनको तुमने चाहा वो तुम्हें मिल गए, अब मुझे भी मिल जाओ, मुझे भी अपना बना लो, मुझे अपने साथ मंदिर ले चलो। अरे संभालो। कहा था ना ठंडे पानी से मत नहाना, देखा सर्दी लग गई ना? सर्दी मुझे नहीं, तुम्हें लगी। देखा, सच्चा प्यार, चोट तुम्हें लगी पर दर्द मुझे हुआ। और कम से कम हंसी तो आई, वरना मुझे लगा माँ ने जो नीचे कहा तुम्हें बहुत बुरा लगा। आई एम रियली सॉरी, माँ ने तुम पे शक किया, पर वो सारी गलती ना उस नागिन की है। सब लोग उस नागिन से इतने डरे हुए हैं कि अपने ही अपनों पर शक कर रहे हैं। शिवान्या, तुम अपना मकसद भूल गई हो या फिर ये भूल गई हो कि ऋतिक एक इंसान है, और एक इंसान से प्यार करने की सजा जानती हो ना तो कुर्बानी। शिवान्या, फिर खो गई? कहाँ खो जाती हो? कहीं नहीं। ये लो, मेरा बुखार तुम्हारे सर पे चढ़ गया। बुखार भी तुमसे कह रहा है प्यार कर लो मुझसे? इलाज तो कुछ करना पड़ेगा इस प्यार के बुखार का। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। ठंड दूर करना आता है मुझे, है उसके भी कुछ अंदाज। ये तुम क्या कर रहे हो? ठंड दूर। ठंड तो तुम्हें भी लग रही है। ठंडे ठंडे हम दोनों, और ब्लैंकेट एक ही। अब अगर मुझे ठंड से बचाना है तो मैं भी इस ब्लैंकेट में आ जाऊं। माँ कहती है कि निमोनिया का पहला साइन सर्दी होता है, फिर बुखार आता है, फिर बुखार सर पर चढ़ जाता है, फिर 102, 103, 104, 110 बंदा पूरा ठंडा हो जाता है और सीधा ऊपर। वैसे तुम्हारी ठंड दूर करने का एक तरीका है मेरे पास। ओ, तो मुझे ब्लैंकेट में बुलाओगी? तो पहले अपनी आंखें बंद करो। तुम वही करना चाहती हो जो एक लड़की एक लड़के के। क्या कर रही हो? जल्दी करो, मुझसे वेट नहीं हुआ जा रहा। One second. ये क्या तुमने मुझे चौकीदार बना दिया?
अब बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। अच्छा टोपी पहनाना मुझे भी आता है।